खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। गाजियाबाद भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो गांव को आदर्श खेल गांव के रूप में गोद लिया है। इन गांव में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देश में खेल संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के दो गांव बहादुरपुर और खैड़ी वीरान को आदर्श खेल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। खेल गांव के रूप में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन गांवों में रहने वाले लोगों को खेल की शिक्षा दी जाएगी। उनमें से छोटे बच्चों को बचपन से ही खेल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ कनेक्स पांडे जी मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ से आज एक खेल आदर्श गांव की शुरुआत की गई है, किस तरह से काम करने वाला है? और देखिए, इसमें हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है ये है स्पोर्ट्स कल्चर के प्रमोशन के लिए। स्पोर्ट्स को कैसे कल्चर बनाया जाए, लोगों को स्पोर्ट्स की नॉलेज कैसे दी जाए। अगर आप आज देखिए तो हमारे देश में स्पोर्ट्स लिटरेसी की कमी है। लोगों को खेलों के बारे में पता ही नहीं है, कौन कौन से खेल होते हैं, कितने प्रकार के खेल होते हैं। जैसे इन गाँवों में हमने सर्वे किया, उसमें जो क्वेश्चन आया तो हमने सर्कुलेट किया, उसमें एक क्वेश्चन था ओलंपिक्स क्या होते हैं। अगर किसी इंसान ने दो लाइन ओलंपिक्स के ऊपर बोली, हमने मान लिया कि इसको पता है। 300 में से केवल दो लोग ऐसे थे जिन्होंने ओलंपिक्स पे दो लाइन सुनाई। अब आप बताओ कि किसी को अगर ओलंपिक्स के बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे मेडल्स कभी भी आ सकते हैं। हमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये कुछ स्पोर्ट छोड़ दो, इसके अलावा जैवलिन, डिस्कस, स्टीपल चेज, इनके बारे में नहीं पता है। तो पहले लोगों को बताओ खेल क्या होते हैं, तब उनको पता चलेगा कि हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। इस मुहिम से कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश का विकास होगा और खेल जगत को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही खेल गांव के जरिए अन्य गांवों तक खेलों के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल सकेगी। जो आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्रों को नेशनल गेम्स में भी जोड़ने में मदद करेगी। कि हिंदुस्तान के जितने भी आज तक मेडल आए हैं, ज़्यादातर मेडल हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही लिए हैं बच्चों ने। लेकिन स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करनी है हमें, उसमें ये साहसी कदम मानता हूँ मैं जो दो ग्रामीण को गोद लिया है IIMT गाजियाबाद ने। तो इससे मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा तब वहाँ से प्रतिभाएं निकलेंगी, ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कदम है। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, कनिष्क पांडे जी ने जैसे कि बताया कि दो गांव वो गोद ले रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए, मैंने जैसे बताया कि दो जो बच्चा है उसमें टैलेंट है लेकिन उसके पास सुविधाएं नहीं है, उसके पास साधन नहीं है। इस पहल से खेल को बढ़ावा तो मिलेगा ही और साथ ही उन प्रतिभाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा जो जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं। एक खेल आदर्श गांव की शुरुआत की गई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय शंकर पांडे जी हैं, पूर्व IAS हैं। सर, कैसा रहेगा कि आने वाले समय में अगर ऐसे खेल गांव और भी ज़्यादा डेवलप हो तो इनसे कितना ज़्यादा खेल को खेल में बढ़ावा होगा? देखिए, हमारे देश में प्रतिभाओं और क्षमताओं की कोई कमी नहीं, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। जब तक आप
गांव में नहीं पहुंचेंगे जहां प्रतिभाएं छिपी पड़ी हुई हैं, उन्हें थोड़ा सा इनकरेजमेंट दीजिए, थोड़ा प्रोत्साहन करिए और उनकी जो क्षमता है उसको देखिए, फिर आप देखें कि इस देश में खेल के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रह सकता। तो इस दृष्टि से ये जो प्रयास है बहुत अच्छा है कि कम से कम गाँव में जाकर लोगों तक जाकर ये उस प्रतिभा को एक तो पहचानने, उसे थोड़ा इनकरेज करने का ये काम करेंगे। सर अभी ये जो शुरुआत की गई है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से की गई है, तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भी एक ऐसा शुरुआत करनी चाहिए? देखिए सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाती जबकि कागज में बनी हुई हैं, जैसे खेलो इंडिया जैसे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, अब ये इसकी स्पिरिट बहुत अच्छी है लेकिन आप नीचे आप कुछ पाएंगे नहीं उसे। तो जो इस तरह के जो NGOs हैं और जो IMT ने किया है, तो इससे होता क्या है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही वो हाईलाइट होंगी और सरकार भी सोचने के लिए बाध्य हो जाएगी कि भाई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये इतना कर सकता है तो हमारे पास तो संसाधनों की तो कोई कमी नहीं है, तो उस दृष्टि से वो फोकस में आ जाएगा। और ये जो प्रयास है ये पूरे देश के जो और जो सरकारी तंत्र के प्रयास है उसके साथ जुड़कर बहुत बड़ा काम कर देगा। तो ये विजय शंकर पांडे जी थे जो पूर्व IAS हैं, इन्होंने बताया कि अगर इस तरह से अगर काम किया जाता है तो आने वाले समय में खेल के जगत में और ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। कैमरामैन सुमित के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र TV, दिल्ली।